हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑनलाइन रोज़ मंगवाई हूँ, उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हम रेड रोज वाइन अमेजोन से मंगवाए थे ऑनलाइन। ये हमको 170 रुपया में ये प्लांट पड़ा था। तो पहला तो ये 8 दिन पहले आया है। एक प्लांट एकदम पूरे शॉक में था। इसका देखें, ये एकदम पूरा काला हो गया है, ये पूरा काला है और पत्ता भी पूरा सूख गया था। और इसमें 2 कली था, तो 1 कली मैंने इसलिए छोड़ दिया कि यदि ये प्लांट सरवाइव करता है तो देखते हैं कौन सा कलर है, क्योंकि कली था तो हमको पता नहीं चला। तो मैंने रेड रोज वाइन मंगवाया था, बेल गुलाब रेड कलर का, लेकिन देखिए ये पिंक खिला है। और दूसरा नंबर कि ये हमें लगता भी नहीं है कि वाइन है, क्योंकि वाइन में कांटे नहीं होते हैं, इसमें ना कांटे हैं, बहुत महीन कांटे हैं, नहीं पता चल रहा है। तो 8 दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया, ये प्लास्टिक के ये इसमें बताते हैं इसमें आया हुआ था, देखें। और इसमें भी एक प्लास्टिक का पॉट, प्लास्टिक का पन्नी में करके इस पॉट में रखा हुआ था। तो मैंने इसे तुरंत, ये हमको डाई बैग टाइप का लग रहा था, तो मैंने इसे तुरंत रिपोर्ट कर दिया। और इसके बाद इसको मैंने उपचार किया है, तो हमको अच्छा रिजल्ट लग रहा है, लगता है ये सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि आया था उस समय इसका कंडीशन बहुत खराब था। तो मैंने इसमें क्या किया है कि एक मुट्ठी सरसों का खली 3-4 लीटर पानी में मैंने फुला करके रखी हूँ, इसको मैंने रख दी हूँ। और 2 दिन बीच करके मैं क्या करती हूँ कि 1 कप उसमें से पानी लेती हूँ और 2 कप सादा पानी, नॉर्मल पानी लेकर के मिला करके इसमें मैं डालती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि ओवर वाटरिंग से इसका रूट भी खराब हो जाएगा, रूट सड़ जाएगा। तो देखें जैसे कि अभी ये है ना भुरभुरा है, तो हमें तो लगता है कि अब ये सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इसके लीफ में, पत्ते में शाइनिंग आ गई है और पत्ते भी हरे हरे हैं। लेकिन जिस समय ये आया था, हमें तो अभी भी डर लग रहा है कि डाई बैग कहीं ना हो जाए। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऊपर से रहता है तो लोग कट कर देता है। जैसे मैंने एक डाल यहाँ कट किए हुए हूँ, इसमें डाई बैग था तो ऊपर से था, तो मैंने इसको कट कर दिया। लेकिन जो नीचे से है उसका तो कोई उपाय नहीं है, वही मैं सरसों का जो खली है उसी को मैं दे रही हूँ। देखिए क्या होता है, फिर इसका जो रिजल्ट होगा मैं आपको फिर बताऊंगी। लेकिन देखिए, आप लोग को मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन कभी भी फ्लावर वाला प्लांट न मंगवाएं, क्योंकि यही है कि रेड के बदले पिंक आया है और प्लांट भी हमें नहीं लगता है कि ये वाइन है। यदि आप लोग को लगता हो कि ये वाइन है तो प्लीज़ हमें बताएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये वाइन है, क्योंकि वाइन इस टाइप का नहीं रहता है। लेकिन अब देखें, वाइन का जो कली भी होता है वो गुच्छे में होता है, लेकिन इसका तो सिंगल था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ कली था, तो 2 कली तो मैंने कट कर दिया। और एक यही टेस्ट करने के लिए मैंने छोड़ा था कि ये कौन सा कलर है। ये तो हमें मिनी नेचर लग रहा है, जैसे कि फ्लावर देख करके। प्लीज़ आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा रोज है। ओके फ्रेंड्स।